नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पदेने मिरर और मैं आपके साथ तनिषा। आइए नजरें डाल लेते हैं आज बनारस की 5 प्रमुख खबरों पर। सारनाथ के रुद्रा हाइट्स अपार्टमेंट में जुआ खेल रहे व्यापारियों से कार्रवाई का भय दिखाकर 41 लाख रुपए लूट मामले में खुद को सीएम का ओएसडी बताने वाले निलंबित इंस्पेक्टर परमंश गुप्ता का दोस्त चौबेपुर निवासी धर्मेंद्र चौबे उर्फ पिंटू को कैंट पुलिस ने महाराष्ट्र से अरेस्ट कर लिया है। पुलिस टीम उसे लेकर वाराणसी आ रही है, पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। वाराणसी जिला सत्र न्यायालय परिसर के डीएम कार्यालय में आज मोदी परिवार के सदस्य अधिवक्ता शैलेंद्र पांडे के नेतृत्व में जिला कारागार अधीक्षक आचार्य डॉक्टर उमेश सिंह के खिलाफ जेल में हो रहे करोड़ों का भ्रष्टाचार के मामले में सभी अधिवक्ताओं के साथ मिलकर जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायत प्रार्थना पत्र दिया है। साथ ही मौजूद रहे अधिकारी एसडीएम ने सभी अधिवक्ताओं को जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। बड़ा प्रकरण है जिला जेल वाराणसी, जिसमें चंदौली के भी लगभग 600 और 1400 से 1500 पूरे पूर्वांचल के कैदी जहां बंद होते हैं, वहां पर स्थिति पूरी तरह से भ्रष्टाचार में वो डूबा हुआ है। जो गरीब आदमी है, जो अधिवक्ताओं को फीस नहीं दे सकता, वो वहां पर बंद है। उनसे 1600 रुपए लिए जाते हैं, किसी व्यक्ति से 2200 रुपए लिए जाते हैं। सोने के नाम पर पैसे की वसूली होती है। वहां पर 200-300 लोगों को एक एक बैरक में घुसड़ दिया जाता है। पशु से भी बुरी स्थिति है, पशु से भी ज्यादा खराब खाना उनको दिया जा रहा है। वहां पे कैंटीन चलाई जा रही है, मादक पदार्थ बेचे जा रहे हैं। इन सारे 12 बिंदुओं पर आज हम लोगों ने एकत्रित होकर के एक बात का ज्ञापन दिया है, और इस बात को हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ज्ञापन देने या एप्लीकेशन देने से जांच नहीं होगी। अगर ये जांच करानी है जिला प्रशासन को, तो जिला कारागार के जो अधीक्षक महोदय उनको हटा करके, क्योंकि इसके पहले भी उनके ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश के हर जनपद से एलिगेशंस लगे हुए हैं। एक अधिवक्ता जिसका वो मुवक्किल होता है, जिसका पेट अगर चलता है तो उस मुवक्किल से चलता है, और वहीं पे मर जा रहे हैं। गारत के नाम पे वहां वसूली हो रही है, दौरा के नाम पर वसूली हो रही है। इन सारे बिंदुओं को लेकर के मानवाधिकार का जो वायलेशन हो रहा है, इस विषय को लेकर के आज हम लोगों ने जिला अधिकारी प्रभारी महोदय से मिल करके यहाँ पे पत्र दिया है, और इस पत्र की जांच। थाना चितईपुर क्षेत्र के इंदिरा नगर कॉलोनी के सामने पुराने नाले में एक व्यक्ति की संदिग्ध हालत में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष बताई जा रही है, और उसके मुंह पर बोरा रखा हुआ था। एक करीब 30-35 साल का युवक होगा। कपड़े खोल के देखा गया उसको, तो प्रथम दृष्टया मुस्लिम लग रहा है, और कहीं शरीर पे तो कोई ऐसा जाहिरा चोट नहीं है। हमारी फोरेंसिक टीम ने भी देखा है, 80 नाले के किनारे इंदिरा नगर में। तो इसको पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम से ही पता चलेगा। अगर कोई भीतर से चोट हो या कुछ होगी तो उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर, कहीं चोट हो या कुछ होता नहीं? ऊपर से कोई चोट तो कहीं नहीं दिखाई दिया, सबने देखा है, और उसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी की गई है। क्या लगता है कि किसी ने हत्या करना पड़ा होगा? या अभी कोई चोट नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसे कोई निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा। पोस्टमार्टम के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, बगल में ही पिकेट है, और कार से ऑटो की टक्कर होने पर भीड़ द्वारा बीच सड़क पर ही राजातालाब इंस्पेक्टर अजीत कुमार की पिटाई करने के मामले में दोनों पक्षों ने सीपी के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। बीएचयू ट्रामा सेंटर में भर्ती बड़ागांव निवासी देवी शंकर राय के भतीजे आयुष भट्ट और प्रभारी निरीक्षक अजीत वर्मा की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने महाराष्ट्र की जनता द्वारा गोभक्त एकनाथ शिंदे को भारी मतों से विजय बनाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मतदान के माध्यम से महाराष्ट्र के हिंदुओं ने पाप और पुण्य की महत्वता को समझा है। शंकराचार्य ने यह अपील की है कि गो हत्या का समर्थन करने वाले दलों को वोट देना पाप है, जबकि गो रक्षा का समर्थन पुण्यदायक है। उन्होंने शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए रखने का समर्थन किया, साथ ही हर हिंदू को गो माता की महत्वता को समझने की अपील की। महाराष्ट्र में चुनाव के जो परिणाम आए हैं, और जैसा कि आप कह रहे हैं, इतिहास बन गया। ऐसी जीत तो कभी किसी की हुई ही नहीं थी जैसी इस समय हो गई। और जबकि चुनाव के पहले जो वातावरण था वो विपरीत था, कोई मानने को तैयार नहीं था कि ये लोग दोबारा सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन इतने प्रचंड बहुमत से आ जाएंगे इसकी तो किसी को कल्पना, पंडितों को, जो राजनीति के पंडित हैं उनको भी कल्पना नहीं थी। लेकिन हमने इसी काशी में आप लोगों के सामने चुनाव के ठीक पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि आप महाराष्ट्र प्रदेश की जो गौ भक्त जनता है, वो इनके द्वारा जो गौ माता को राज्य माता घोषित करके 68-77 साल के इतिहास में पहली बार
गौ माता के लिए मुख्यमंत्री खड़ा हुआ है, उसके लिए उसको रिवार्ड मिलना चाहिए, उसके लिए समर्थन व्यक्त किया जाना चाहिए। तो हम समझते हैं कि वहाँ की गौ भक्त जनता ने, हिंदू जनता ने पूरा आशीर्वाद अपना प्रदान किया और उसी का ये प्रतिफल है कि इतनी बड़ी जीत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में महायुति की हुई है। गुरु जी, आपने भी आशीर्वाद दिया था, आपने भी आशीर्वाद दिया था, सीएम को लेकर एक संशय की स्थिति है कि सीएम शिंदे बनेंगे या फिर बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी के पास ज्यादा सीटें आई हैं, इस बात को लेकर भी संशय चल रहा है। आपके हिसाब से मुख्यमंत्री कौन? देखिए, हमारे हिसाब से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा गया, एकनाथ शिंदे के कार्यों पर मोहर जनता ने लगाई है, इसलिए ज़्यादा सीटें होने पर भी एकनाथ शिंदे जैसे गौभक्त और स्पष्टवादी और अच्छा कार्य करने वाले, देश की बहुसंख्यक जनता की भावना को समझने वाले नेता एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री कंटिन्यू करना चाहिए, ऐसा हमारा मत है। तो ये थी आज बनारस की 5 प्रमुख खबरें। कल मिलते हैं इसी वक्त अन्य 5 खबरों के साथ।